नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग जो है कि बिग बाजार के सामने में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक घर बन रहा है जो उस बेसमेंट है। इस बेसमेंट में पता चला है कि कोई सांप जो है कि छुपा हुआ है, लेकिन पता नहीं कि आखिर कौन सा सांप है। सर्च करने के बाद ही हमें पता चलेगा विशेष सांप है या विशाला सांप है। चलिए सर्च कर हम आपको दिखाते हैं। तब तक आप लोग जो है कि मेरे वीडियो पर नज़र बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सर्च कर देखते हैं कि आखिर कौन सा सांप यहाँ पर छुपा हुआ है। चलिए अनिल जी, यहाँ तो काम लगा जिसके कारण मिट्टी है। और इससे पहले घटना हो चुका है, इसलिए जो है कि हम लोग जो है कि स्टिक से ही जो है जो भी लेट लगे, लेकिन स्टिक से ही हम लोग जो है उसको हम लोग हटाएंगे ताकि कोई भी अनहोनी जो है नहीं हो। और ये सब बोरा हटने के बाद लास्ट में ही वो सांप चला जाएगा, उसके बाद ही उसको जो है कि हम लोग रेस्क्यू कर पाएंगे। ये बोरा सब आप लोग किधर हटा सकते थे हटाइए, उसमें घुसेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पता नहीं चला है, केवल पता चल जाना चाहिए कि सांप को जो विषैला है या बिच्छू है। ये जो है कि वाटर स्नेक है, एकदम साफ है, इसमें विष नहीं होता है। और लेकिन कचरा में चला गया है, इसलिए चलिए सुनेंगे। और ये नंदवन विषहीन सांप है ये, लेकिन काटने के दौरान तो बहुत तेज़ी से वार करते हैं और इसके काटने से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से जो है कि काटने की कोशिश करते हैं और दांत जो है ना इसमें काफ़ी होते हैं, जिसके कारण जो है कि इसे गहरा घाव हो जाता है। और इसे जो है कि इसे हम लोग वाटर स्नेक के नाम से जानते हैं। और आपको बताते हैं किस स्थिति को मेरा और ये देखिए बाइट करने की कोशिश करता है और बहुत तेजी से बाइट करता है। और ये सांप जो है कि इसको हम लोग जो है कि वाटर स्नेक के नाम से जानते हैं। ऐसे अमूमन यहाँ पे लोग जो है कि अपनी भाषा में ढोरवा सांप बोलते हैं। और ये बेसमेंट में जो था कि जो काम हो रहा था तो लोगों ने देखा और उसके बाद हमको कॉल किया। और बड़ी जानकारी के बाद मैं आपको बता दूँ कि यही एक सांप होता है जो अंडा नहीं देता है, और ये सांप जो है ना कि डायरेक्ट बच्चा देता है। जिस तरह से एनाकोंडा जिस तरह से बच्चा देता है, उसी तरह जो है कि ये एनाकोंडा का ही छोटा प्रजाति होता है। और बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़ोर से दम लगा रहा है, इसको हम लोग जो है कि बहुत बहुत मतलब जकड़ कर जो है ना कि छूटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे चंगुल में आ गया है और इसको हम लोग रेस्क्यू कर लिए हैं और इसको अब हम लोग जाकर जो है कि जंगल में जाकर छोड़ देंगे। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।
रेस्क्यू करने के बाद हमारे यहाँ पे जो बुलाए थे बहुत ही समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये पानी में रहता है और इसमें विष नहीं होता है, इसलिए यहाँ से निकाले और इन्होंने बोला कि आप जो है इसे नाली में ही ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग जो है यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, चला गया। चलिए।